हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फोर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। वर्कशीट है जो आपके लिए 9 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स क्या होती है, ये आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्ट। प्रिया एंड रिया टू ट्विंस वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर टुडे। तो रिया और प्रिया जो है, जो ट्विंस हैं, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं इकट्ठा। बोथ ऑफ देम कॉल्ड मेनी ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे एंड बोथ कट केक टुगेदर। ठीक है, एंड गिव सम रिटर्न गिफ्ट टू देयर फ्रेंड्स। सबने जो है, उनको जितने भी फ्रेंड्स आए थे सबको रिटर्न गिफ्ट दिया। देयर मम्मी पुट लॉट्स ऑफ पेन पेंसिल एंड इरेजर पैकेट्स इन अ बैग। उनकी मम्मी ने जो है पेन पेंसिल और इरेजर पैकेट जो है बैग में रखे। The speciality of those packets was that the price of a pen was as much as the number of pens were in the packet. अब जो ये packet बनाए गए, ठीक है, इनकी speciality क्या थी कि जो एक pen का price था उतने ही pen किस में रखे गए, packet में रखे गए। Similarly, the price of a pencil was as much as the number of pencil were in that packet. जितना एक जो pencil का price है उतने ही pencil एक packet में रखे गए। And the cost of a eraser was also as much as the number of erasers were in that packet. So, जितना cost बच्चों एक eraser का है, उतने ही number eraser packet में रखे गए। Now, Priya opened some pencil, pen and eraser packets and mixed them in the same bag. अब प्रिया ने क्या किया? कुछ pencil open की, कुछ pen open की, कुछ eraser और उनको bag में डाल दिया। And Riya mother closed her eyes and started giving gift to all children from the bag. और जो रिया की मम्मी है उन्होंने ऐसे ही जो है निकाल के और बच्चों को देना शुरू कर दिया बिना काउंट किए। Then Priya got a mathematical game and she said, जब प्रिया ने जो है एक मैथमेटिकल गेम जो है यहाँ से वो किया। Let the cost of one pen be, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, x है। Then the price of the packet of pen will be x square. अब total price packet की क्या हो जाएगी, x square, because the price of one pen is as much as the number of pens in one packet. ठीक है, एक packet में जितने pen है उतनी ही price एक pen की है। Similarly, let the value of one pencil be y. Value जो है एक pencil की value कितनी है बेटा, y है। तो packet के अंदर पूरे जो price है, packet के अंदर pencil है, वो क्या हो जाएंगी, y का square हो जाएगा। So, because the price of one pencil is as much as the number of pencil in one packet. And similarly, let the cost of one eraser. एक इरेजर जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, Z है। तो so the price of eraser packet will be, अब पूरे पैकेट की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, Z square हो जाएगी, क्योंकि जितनी कॉस्ट एक इरेजर की है उतनी ही पेंसिल जो वो इरेजर जो है एक पैकेट में है। ओके, तो यहां से हमारा क्या बन गया, यहाँ से हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखिए, अब बच्चों को यहाँ पर जो गिफ्ट दिए गए वो गिफ्ट कैसे दिए गए, चिल्ड्रन का नेम है, उनको क्या गिफ्ट दिए गए, मैथमेटिकल टर्म हम कैसे लिखेंगे एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, माला रिसीव्ड, माला को क्या मिला, चार पेन पैकेट। ठीक है, फोर पेन पैकेट। तो फोर, जहां पे बच्चों पैकेट की बात आएगी, आप ध्यान से समझिएगा इसको, जहां पे पैकेट की बात आएगी वहां पे क्या होगा, पैकेट जो है पेन का पैकेट है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। पेंसिल का पैकेट होगा तो वाई स्क्वायर होगा, और इरेजर का पैकेट होगा तो जेड का जेड स्क्वायर होगा। सो यहां से हम देखेंगे, फोर पेन पैकेट है तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू पेंसिल पैकेट है तो टू, देखिए टू पेंसिल पैकेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे आपका टू वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि बेटा पैकेट की बात की जा रही है, टू पेंसिल पैकेट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर प्लस तीन जो है इरेजर है, ओनली थ्री इरेजर, एक इरेजर के लिए हमने जेड का यूज किया है तो थ्री इरेजर के लिए क्या हो जाएगा, थ्री जेड। सो इसके अंदर क्या है, मोर देन टू टर्म है। ठीक है ना, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, श्वेता रिसीव, श्वेता को क्या मिला, टू पेंसिल लेस देन फोर पेंसिल पैकेट। ठीक है, फोर पेंसिल पैकेट से टू पेंसिल कम मिली, तो पैकेट जो है फोर है तो फोर वाई स्क्वायर हो गया, पेंसिल का पैकेट है तो पेंसिल के लिए हम वाई का यूज करेंगे, और उसमें टू पेंसिल कम है तो माइनस टू वाई हो गया। इसमें भी क्या है, इसमें टू टर्म है, एक फोर वाई स्क्वायर और टू वाई, तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट देखिए, शाम रिसीव्ड, शाम को क्या मिला, फाइव इरेजर पैकेट, तो फाइव इरेजर पैकेट मिला तो फाइव जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया मोनोमियल। उसके बाद पूजा को क्या मिला, थ्री पेन्स मिले, पूजा को क्या मिला बेटे, यहां से पूजा को मिला थ्री पेन्स, तो थ्री पेन्स के लिए हम क्या लिखेंगे, थ्री एक्स। ठीक है, थ्री पेन्स के लिए हमने लिखा थ्री एक्स प्लस,
क्या मिला, 5 पेंसिल, तो 5y प्लस 6 इरेजर मिली हैं, तो 6z हम लिख देंगे, 6z हो गया। तो ये क्या हो गया, इसमें भी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टर्म हो गई, तीन टर्म हो गई, तो ये क्या हो गया, पॉलीनोमियल हो गया। नेक्स्ट है गीता रिसीव 2 पेन पैकेट, 2 पेन पैकेट हैं, तो 2x² लिखेंगे, प्लस 3 पेन्स हैं तो 3x, प्लस 5 इरेजर तो 5z, तो ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो पॉलीनोमियल, क्या हो जाएगा ये, पॉलीनोमियल हो गया। नेक्स्ट है विकास रिसीव्ड, विकास को क्या मिला, 3 पेंसिल पैकेट मिले, तो क्या लिख देंगे, 3y², ये क्या होगा, ये मोनोमियल होगा, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। दीपक रिसीव्ड 9 पेंसिल है, तो क्या आ जाएगा, 9y प्लस 3 इरेजर पैकेट, तो 3z², इरेजर का पैकेट है तो z², तो ये क्या हो गया, ये जो है बाइनोमियल है, क्या हो जाएगा ये बाइनोमियल हो जाएगा। इन दिस वे वी कांट से दैट एनी वेरिएबल कंबाइन इट्स मल्टीपल टू फॉर्म टर्म, तो कोई भी वेरिएबल हो, लाइक एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी हो सकता है, टी है, इसके साथ जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 4, 5, 6, 8, तो ये क्या बन गई, ये टर्म बन जाती है, क्या बन जाती है, ये टर्म बन जाती है। सो मोनोमियल क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, जैसे कि ये है 5z², ये क्या है, ये जो है मोनोमियल है। नेक्स्ट देखिए बाइनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल वेरी सिंपल, जिसमें 2 टर्म होगी वो बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। द एक्सप्रेशन विच हैज 2 टर्म्स दैट आर कॉल्ड बाइनोमियल। एंड पॉलीनोमियल क्या होगा बेटा, द एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। लाइक देखिए 2x², 3x, ये सब क्या है, ये सब पॉलीनोमियल है। नेक्स्ट है लाइक टर्म्स क्या होती है, एनी टू और मोर टर्म्स विच आर ऑफ सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो जिसमें सेम वेरिएबल होते हैं, लाइक 3x, 4x, 5x, 6y, अगर हम एक सेट ये हो गया 6y, 8y, ये क्या है, दीज आर द सेम वेरिएबल्स, सो दीज आर कॉल्ड द लाइक टर्म्स। सेम वेरिएबल्स है ना, x, 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 इनकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनलाइक टर्म्स क्या होंगी, द टर्म्स विच आर नॉट द सेम आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, लाइक 3x, 4y, ठीक है, 5z, ये क्या हो गई, ये अनलाइक हो गई। और एग्जाम्पल ले सकते हो 6y² 7z, तो ये भी क्या है, दीज आर द अनलाइक टर्म्स। तो ये हो गया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, काफी जो है इजी है। फ्रॉम द टेबल राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ अनलाइक एंड लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, तो ये टेबल से भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको लाइक और अनलाइक टर्म जो है वो लिखनी है। तो आइए बेटा इसका आंसर करते हैं। सो यहाँ से आप कर लेंगे, देखिए लाइक टर्म्स जो है, लाइक टर्म्स क्या होंगी, लाइक टर्म्स 3z², 5z², ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। 5 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, सेकंड लिख देंगे 4x 2x, थर्ड लिख देंगे 2y 9y 5y, फोर्थ लिख देंगे 3y² 4y², फिफ्थ वन 5z 3z, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी, जिनके अंदर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होगा, जिनमें वेरिएबल डिफरेंट होंगे, तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, 4z 2y 3y² 4x² 3x 5y 6z 4x² 2y 3z² 9y 3z², तो ये सब क्या हो गई, ये आपकी अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकेंड देखिए, विकास गेव ₹51 एज ए गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच, तो विकास ने जो है ₹51 दिए एज ए गिफ्ट, किसको, प्रिया और रिया को। आर दीज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, तो बेटा देखिए अगर हम यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर इसका जो है, मैं सेकंड यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, तो अगर हम मानते हैं कि एक्स जो है वो प्रिया है, उसको कितने दिए, 51 दिए, वाई जो है वो रिया है, उसको भी कितने दिए, 51 दिए, तो यहाँ पर हमारी कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हमारी नहीं बन रही है। सो इसमें क्या होगा, आर दीज पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे नो, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो आप लिख देंगे नो। कैन इट ऑल्सो बी रिटन एज अ पॉलिनोमियल, तो इसको हम एज ए पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें भी आप नो लिख देंगे। एंड थर्ड वन है, इफ यस देन हाउ इट कैन बी रिटन, अगर जो है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने ऊपर ही नो कर दिया है, तो इसको हम लिख ही नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी नो हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी आज की बेटा मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है कि क्या पॉलिनोमियल होते हैं, क्या लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स होते हैं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो जो है अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।